हम आए थे फिर अभी पानी पूरी खाने रोहन भाई के साथ। आज ब्लॉग शुरू कर रहे हैं अपन इवनिंग को, वो भी रोड पे ब्लॉग बने, क्योंकि सवेरे से थोड़ा काम और अभी भी रोहन भाई के साथ है। एक्चुअली हुआ सीन ऐसा ना, मैं मम्मी को गया था छोड़ने मानेवाड़ा, तो वहाँ से आते आते मेरे को प्राची सर को कॉल किया मैंने, तो सर थोड़ा बिजी थे, बोले रोहन भाई आने वाले एक घंटे में, इसलिए हम रोहन भाई के घर आ गए और अभी रोहन भाई के साथ जाएंगे अपन प्राजक्ट सर के घर। और फिर शाम का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि अभी तो रोहन भाई का कुछ काम ही काम चल रहे हैं, तो रोहन भाई का जैसे काम ख़त्म हो जाता है फिर जाएंगे हम प्राजक्ट सर के घर, फिर प्राजक्ट सर से मिलेंगे, बात बात करेंगे, कुछ हाल चाल पूछेंगे और फिर वहाँ से रोहन भाई के घर आएंगे। फिर मम्मा आएगी, मम्मी को लेने दिगोरी जाना है, फिर जैसे दिगोरी से लेके आते फिर घर जाके फिर घर में देखते क्या सीन होता है, मिलते फिर अपन घर पे। ये जो शॉप था अपने जैन भाई का था, मेरे को आइडिया ही नहीं था रोहन भाई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे। लैपटॉप का शॉप है, अपन ले गए लैपटॉप भी, नेक्स्ट ईयर देखेंगे लैपटॉप, अभी चलते प्राजिक सर के घर। 1 तारीख को मैच है गए नागपुर में, वो भी 1 DC को, अपना बर्थडे के दिन, और अभी तो हम रोहन भाई के घर पे ही है। मैं कहा था ना कि मतलब प्राधिक सर के यहाँ से काम हो गया, फिर वहाँ से हम रोहन भाई के घर आ गए, फिर अभी मम्मा का कॉल आएगा, फिर अपन जाके मम्मा को लेने, फिर वहाँ से जाके घर, क्योंकि भूख भी बहुत कसके लगी और आरती भी हो गई होगी, तो कहीं नहीं चलो घर चलते हैं, फिर घर खाना खाएंगे और फिर अपना काफ़ी लेट हो गया है और फिर ब्लॉग भी डालना है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, ऐसा था कुछ अपना दिन, और कल है अपने आप पूजा, तो कल अच्छा वीडियो आएगा, कल लंबा भी वीडियो रहेगा और कल काफ़ी एक्टिविटीज़ रहेगी, तो अपन मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।